सेल्फ आदर्श कुमार, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे यूरेका एकेडमी। आज बेटे हम लोग पार्टनरशिप में पीजीटी कॉमर्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप मान के चलना आज के वीडियो से एक क्वेश्चन आपके पेपर में श्योर शॉट आना ही आना है। तो आज हम अपने पार्टनरशिप के ऊपर फोकस करने वाले हैं कि पार्टनरशिप में हम लोग क्या क्या करने वाले हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है पार्टनरशिप, होता क्या चीज है? तो पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों के। इट्स एसोसिएशन ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन, जहाँ पर लोग काम करते हैं फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस। ठीक, पार्टनरशिप के डेफिनेशन के अंदर आपने देखा होगा, पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम कितने पार्टनर होंगे, तो मिनिमम कितनी क्राइटेरिया है पार्टनर के लिए? दो पार्टनर के लिए। अब आप जानते हो हमारी कंपनी एक्ट अमेंड हो चुकी है 2013 में। इन 2013 आर कंपनी एक्ट इज अमेंडेड, अर्लियर एक्ट वॉज 1956। कंपनी एक्ट का पुराना एक्ट क्या है? 1956, एंड इट इज अमेंडेड इन 2013। अमेंडमेंट के अंदर ये बताया गया कि पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे, तो बेटे मैक्सिमम मेंबर्स पार्टनरशिप के होंगे 200। अर्लियर इट वाज इन ओल्ड एक्ट इट वाज 10 और 20। ये आप लोगों ने अपने एकेडमी में पढ़ा था, अब मत पढ़ना इसको, ये रूल बदल गया। पार्टनरशिप में अगर मैं इस एक्ट के अंदर बात करूं तो पार्टनरशिप के मिनिमम मेंबर कितने हैं, क्या क्राइटेरिया है पार्टनरशिप के मिनिमम मेंबर के, तो बेटे पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम मेंबर कितने हैं? पार्टनरशिप के मिनिमम मेंबर दो है। पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 200 होते हैं। अब मैं पार्टनर्स का बात करूं, क्या सारे पार्टनर एक्टिव पार्टनर होंगे जरूरी है? नो, पार्टनर स्लीपिंग भी हो सकते हैं, पार्टनर डोरमेंट भी हो सकते हैं, स्लीपिंग हो सकते हैं, अपने वार्ड से भी पार्टनर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पार्टनर का बात करूं तो पहला पार्टनर है बेटे एक्टिव पार्टनर। मतलब क्या है जी? एक्टिव पार्टनर आप उसको बोलेंगे जो एक्टिवली अपने बिजनेस के अंदर पार्टी, अपने बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मेंबर। अब मैं बात करूंगा आपसे स्लीपिंग पार्टनर का। सेकंड कैटेगरी इज स्लीपिंग पार्टनर, और स्लीपिंग पार्टनर को हम लोग डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। कौन है ये लोग? स्लीपिंग पार्टनर कौन है? जो आपके बिजनेस में जिसकी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो अपने प्रॉफिट लॉस को शेयर करेगा, लेकिन वो बिजनेस के अंदर एक्टिव नहीं होगा, यानी बिजनेस के अंदर वो वर्किंग नहीं होगा, ही इज नॉट वर्किंग इन बिजनेस, ऐसे पार्टनर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे पार्टनर को आप आइदर डोरमेंट पार्टनर बोलते हो, या फिर ऐसे पार्टनर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर बोलते हो। थर्ड कैटेगरी आपसे बात करूंगा मैं, थर्ड पार्टनर जो होते हैं वो होते हैं नॉमिनल पार्टनर। ये क्या है? नॉमिनल पार्टनर कौन है बेटे? नॉमिनल पार्टनर ऐसे पार्टनर को बोलते हो जिनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस में कुछ भी नहीं होगा, जस्ट उसने बिजनेस को अपना नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। बेटे एक्टिव कौन है? हु इज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर।
स्लीपिंग पार्टनर कौन होगा, उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होगा, वो प्रॉफिट शेयर करेगा, बट ही इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटे, स्लीपिंग पार्टनर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डोरमेंट पार्टनर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉमिनल पार्टनर. तो नॉमिनल पार्टनर कौन होंगे, जिसने बिजनेस में ना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ना उसकी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, जस्ट उसने बिजनेस को अपना नाम दे दिया है ताकि इसके नाम के बेसिस पर बिजनेस को चलाया जा सके. उस बंदे का फेम है, गुडविल है, उसने बिजनेस को अपना जस्ट नाम दिया है. तो आपको स्लाइटली कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा, कन्फ्यूजन होगी आपको स्लाइटली नॉमिनल पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में डिफरेंस क्या है, ये कन्फ्यूजन का एरिया है. प्यारे प्यारे बच्चे, कई बार आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि स्लीपिंग पार्टनर कौन होगा और नॉमिनल पार्टनर क्या होगा, क्या ये दोनों एक ही है, कुछ इनके अंदर डिफरेंस है. बिल्कुल है भाई, दुनिया वाले इसको जानते हैं, दुनिया वाले इसको नहीं जानते हैं. ये बिजनेस में एक्टिव नहीं होगा, ये बिजनेस में एक्टिव होगा. इसने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है, इसने कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर रखा है. इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होगा. सबसे मेन मुद्दे पे आ जाओ, लोग इसको जानते होंगे, यानी ये बिजनेस में एक्टिव है, बिजनेस को अपना नाम दिया है इसने. ये स्लीपिंग है, मींस बिजनेस में इसका नाम नहीं है, बिजनेस में आउटसाइडर्स लोग शायद इसको जानते भी नहीं होंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हो स्लीपिंग पार्टनर. नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव पार्टनर बाई प्रॉफिट. बेटे पार्टनर बाई प्रॉफिट, अभी आप लोग सोच रहे होंगे पार्टनर बाई प्रॉफिट क्या होगा, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा याद आएगा आपको. बेटे अगर माइनर को पार्टनर बनाते हो तो माइनर बिजनेस में क्या पार्टनर हो सकते हैं, हो सकता है माइनर बिजनेस में पार्टनर, बट ओनली फॉर द प्रॉफिट. अगर कोई बिजनेस को लॉस होगी, क्या उस लॉस को माइनर पार्टनर वियर करेगा, क्या नहीं. तो इसको हम लोग क्या बोलते हो, पार्टनर बाई प्रॉफिट. नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव पार्टनर बाई होल्डिंग आउट. देखो अब ये होल्डिंग आउट क्या है बेटे, पार्टनर बाई होल्डिंग आउट का मतलब क्या है, बाई द वर्ड हमने अपने बोल बच्चन से अपने आप को किसी बिजनेस का पार्टनर बना दिया, दैट इज कॉल्ड वर्ड बेटे पार्टनर बाई होल्डिंग आउट. हमने वर्ड दे दिया, जैसे आप इस ऑर्गेनाइजेशन को आए, ज्वाइन किए और आपने मुझसे पूछा अदर सर आप पार्टनर हो क्या इस बिजनेस में, मैंने ना हाँ बोला ना ना बोला, मतलब मेरी कंसेंट क्या है, मेरी कंसेंट क्या है बेटे, हाँ, मतलब मेरी वर्डिंग क्या हो गई यहाँ पर, मैंने अपने आइडेंटिटी को छुपा लिया और बोल दिया कि मैं इस बिजनेस में पार्टनर हूँ तो मैं आपके लिए लायबल बन जाऊँगा. मीन्स अगर मैंने कोई बोल बच्चन कर दिया, कोई ऐसी वर्डिंग कर दी जिसके वजह से मैं उस बिजनेस का एक्चुअल पार्टनर नहीं हूँ, फिर भी मैं बिजनेस के लिए लायबल बन जाऊँगा, क्योंकि आप यहाँ पर आके बोलेंगे मैंने तो एडमिशन लिया, किस बेसिस पे लिया, अदर सर के बेसिस पर लिया, ठीक है, तो आपके लिए मैं लायबल बन गया. और ऐसे पार्टनर को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनर बाई होल्डिंग आउट. नेक्स्ट बेटे, इस चैप्टर से जो मोस्ट फेवरेट एरिया है वो क्या है, मोस्ट फेवरेट एरिया आप देखो, सबसे फेवरेट एग्जामिनर का एरिया है बेटे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आप मान के चलिएगा पीजीटी में एक क्वेश्चन फिक्स है, हर बार पूछा जा गया है, अब भी पूछा जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिल्कुल फिक्स एंड फिक्स है. बेटे मैं ट्राई वही करूँगा पहले आपको कराने का जो सियोर शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता हर बार, और वो अब भी आएगा, आपके पेपर में भी आएगा, डिजिट चेंज हो जाएंगे, क्या कर लेगा एग्जामिनर, और इससे ज़्यादा. बेटे बात करेंगे आज हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का,
और बात करेंगे आज हम लोग सेक्रीफाइजिंग रेशियो का। ठीक, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर बात करते हो आप, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीन तरीके से आपसे पूछा जाएगा। भाई तीन तरीके जानने के लिए कुछ हिंट भी तो होने जरूरी है। हिंट क्या है? पहले कैटेगरी में कोई हिंट नहीं देगा, दूसरे कैटेगरी में फ्रॉम लिखा होगा कहीं ना कहीं, और तीसरे कैटेगरी में ऑफ हेज शेयर लिखा होगा। आप समझ जाना कैटेगरी क्या है। अगर कुछ भी हिंट नहीं दिया तो आप किस कैटेगरी में हो? फर्स्ट कैटेगरी में हो। अगर फ्रॉम लिख दिया क्वेश्चन में तो किस कैटेगरी में हो? सेकंड कैटेगरी में हो। अगर क्वेश्चन में ऑफिस शेयर लिख दिया तो आप किस कैटेगरी में है? आप थर्ड कैटेगरी में है। ये तो प्यारे प्यारे बच्चों हमने बात किया हिंट के बारे में कि ये जी हिंट है हमारे पास कि हम इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो। पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के होंगे और आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे इन अलग अलग कैटेगरी को। सपोज इन द फर्स्ट सिचुएशन ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड रेशियो इज 3:2। सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर वॉट बेटे फॉर 1/4 शेयर। ए एंड बी न्यू ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2। नाउ सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अब आप देखो क्या मैंने इस एग्जाम्पल में कहीं फ्रॉम लिखा है, कहीं ऑफ इज शेयर लिखा है? नो सर। देन ये कैटेगरी कौन सा है? पहला कैटेगरी है। अब पेपर में आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ये फर्स्ट कैटेगरी है आपका, तो पेपर में सॉल्व कैसे करेंगे? लेट टोटल शेयर इक्वल्स टू व्हाट? 1। पूरे फॉर्म के शेयर को हमने क्या मानना? 1। देन बेटे रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/4, दैट इज 3/4। एक बात बताओ, ये जो रिमेनिंग शेयर है ये किसके लिए है? सर ए और बी के लिए है, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर तो वही है। आप देखो हमने पूरे फॉर्म के शेयर को क्या माना है? 1। इसमें से नए पार्टनर का शेयर हटा दिया तो जो रिमेनिंग बच गए वो किसके लिए बच गया? ये बच गया बेटे ए और बी के लिए बच गया है। आओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटे ए इस 3/4 से कितना लेगा? सर अपना ही हिस्सा लेगा और कितना लेगा? तो बेटे ए का हिस्सा देखो क्या है? 3/5, 3+2, 5, 3/5, 9/20। सेकंड, इस 3/4 से बी क्या लेकर जाएगा? सर अपना ही हिस्सा लेकर जाएगा, और बी का शेयर कितना है जी? 2/5 है, 6/20। नाउ सी का तो शेयर डिफाइन है बेटे, 1/4 शेयर डिफाइन है, 20 ये बेस है, 20 ये बेस है, तो यहाँ भी 20 हो जाए तो सुंदर लगेगा। कैसे 20 बनाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 बन जाएगा, पर खाली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करेंगे, क्योंकि 5 को 5 से कटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 5/20 योर न्यू प्रॉफिट रेशियो इज बेटे 9/6/5। अगर ये सिंप्लीफाई हो पाता तो हम सिंप्लीफाई कर लेते, वो डिपेंड करता आपके ऑप्शन के ऊपर, वो ऑप्शन के हिसाब से आप करेंगे। दूसरी बात, एग्जामिनर इस फर्स्ट केस के अंदर आपसे सेक्रीफाइजिंग रेशियो पूछा। बेटे सेक्रीफाइजिंग का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज ओल्ड माइनस न्यू। अगर हम पुराने रेशियो से नए रेशियो को घटाते हैं तो ये क्या मिलने वाला है हम लोगों को? सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइजिंग। बेटे ओल्ड वी हैव दिस 3:2, न्यू हमारे पास है 9/6/5। आप करके देख लेना घर पे बैठ के, आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो आ रहा होगा। पर एग्जाम में मत करना आप, एग्जाम का क्या शॉर्टकट है सेक्रीफाइजिंग रेशियो का? बेटे इन फर्स्ट केस जो आपका ओल्ड रेशियो होगा एज इट इज आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो होगा।
तो पेपर में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पेपर में कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे। इन फर्स्ट केस आर ओल्ड रेशियो इज व्हाट बेटा 3:2, देन आर सेक्रीफाइजिंग रेशियो विल बी द सेम एज ओल्ड रेशियो, क्या होगा 3:2 होगा, राइट तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं होगा, आप इस टाइम को बचाएंगे, दूसरे क्वेश्चन के लिए बचाएंगे। तो पहले केस में बेटे अगर सेक्रीफाइजिंग रेशियो पूछ दिया, सपोज करिए आपके पेपर में ये क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा इसका सेक्रीफाइजिंग रेशियो बताओ, कोई पेन नहीं उठाना, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, क्या है जी सेक्रीफाइजिंग रेशियो, सर 3:2 है, बात खत्म हो गई, हमें कैलकुलेशन ही नहीं करना, गेट इट ना। आइए अब मैं फर्स्ट केस के अंदर ही थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करता हूँ, जैसे एग्जामिनर आपके साथ कर सकता है। आइए जरा फर्स्ट केस को लेते हैं बेटे, फर्स्ट केस में अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन सीख लिया है, अब इसमें एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट क्या डाल सकता है ये देखेंगे। अब हम सपोज हमारे पास 3 पार्टनर है, अब नाउ वी हैव ABC, ये 3 पार्टनर्स, इन तीनों ने बिजनेस शुरू किया, करेक्ट ना, 3 पार्टनर, तीनों ने बिजनेस शुरू किया, रेशियो है इनकी 3:2:1, गेट इट। नाउ डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, ठीक है सर। एक और बात लिखिए, देखो यहां तक बातें है एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी, फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हम लेट 1 मान लेंगे, वो टोटल शेयर को 1/6 लेस करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, दैट्स इट। थोड़ा सा सिचुएशन बदल रहा है, मूड बदल रहा है एग्जामिनर का, एग्जामिनर ने थोड़ा ट्विस्ट डाला, इसमें लिखा सी वॉन्ट टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। आओ पहले तो बेटे ये बताओ आप लोग मुझे, ये केस कौन सा है, ये पहला है, दूसरा है या तीसरा है? सर फर्स्ट केस है ये, कैसे समझ गए बेटे? सेकंड में क्या हिंट मिलने वाला था हमें? फ्रॉम। थर्ड में क्या हिंट मिलने वाला था? ऑफिस शेयर। ना क्वेश्चन में ऑफिस शेयर है, ना क्वेश्चन में फ्रॉम है, तो केस कौन सा है जी? पहला केस है, ठीक है भाई, फर्स्ट केस का कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देखो देखो एक बात यहाँ पे, ये डी जो है ये तो नया पार्टनर है, ठीक है सर, इट्स गिवन इन क्वेश्चन, बट सी इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक न्यू पार्टनर, वाई? बिकॉज सी वॉन्ट टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो अब आप मान के चलिएगा ये तो नया है ही पार्टनर, ही इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक न्यू पार्टनर, तो सी भी आपके लिए नया ही पार्टनर है, और सी का शेयर कितना है? 1/6, देख सकते हो बेटे यहाँ पे सी का शेयर कितना है जी? 1/6, टोटल करो 3+2+1 6 1/6। अब आपके सामने दो दो नए पार्टनर हैं, डी और सी दो नए पार्टनर हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा पुराने कौन है, ओल्ड कौन है? सर ए और बी, सी को तो छोड़ दो, सी तो रिजिड है, ही वॉन्ट टू मेंटेन हिज ओरिजिनल शेयर, जो पहले थे वही रिजिड है अब भी, वो नए पार्टनर की तरह बिहेव कर रहा है, करने दो। आओ यहां, नाउ लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/6, तो बेटे सी का, और 1/6 किसका? डी का, हिज ऑल्सो बिहेविंग लाइक न्यू पार्टनर, तो 1/6 + 1/6 कितने हो गए? 1/6 + 1/6 2/6 या 1/3 लिख सकते हो आप, 1 - 1/3। बेटे इन स्टेप्स को कई बार हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप अपने एग्जाम में डायरेक्ट करेंगे, पर मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए सारे स्टेप्स लिखने मजबूरी है मेरे, तो 1 - 1/3 क्या आ जाएगा बेटा? ये 1/6 1/6 2/6 1/3 एलसीएम करेंगे तो 3 - 1 2/3, योर रिमेनिंग शेयर इज व्हाट बेटे? योर रिमेनिंग शेयर इज 2/3। और बेटे ये जो रिमेनिंग बचा ये पुराने के लिए, और सर पुराने अब हमारे पास पार्टनर कौन कौन है? तो पुराने पार्टनर ए और बी है, सी तो पुराना रहा नहीं,
है ना। तो अब ड्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, आप देखो सी ए इस 2/3 से अपना शेयर मांगेगा, ए का शेयर देखो बेटे कितना है 3/5, 3:2 मीन्स 3/5। बी इस 2/3 से अपना शेयर मांगेगा यानी 2/5, और सी का ओल्ड शेयर क्या है वही उसका, उसने रिजिड की अपने आप को किया कि मेरे 1/6 रहेंगे, रख लो 1/6 भाई, और डी का भी शेयर क्या है 1/6 है, तो 6/15, 4/15, 1/6, 1/6। तो बेटे बेस इक्वलाइज करना आपने, देखो 15/6 नहीं हो सकता है, 6/15 नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसे आइटम्स ढूंढे जो 15 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए, 30 तो हो सकता है ना, आओ कर देते हैं 30, लो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12/30, 2 से कर दो तो बेटे 8/30, 5 से कर दो तो 5/30, 5 से कर दो तो बेटे 5/30। नाउ योर रेशियो इज व्हाट, 12/8/5/5, ठीक, ये तो आपका न्यू रेशियो है बेटे। आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में इसके अंदर आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होगा, और इन दोनों मेथड से रिलेटेड कुछ भी डाउट है कहीं पर भी, इवन आपके कैलकुलेशन में भी कोई डाउट है, ABCD कहीं कोई डाउट है, ठीक, मैं मानता नहीं हूँ कि कई लोगों के ये चीज़ें छूट गए होंगे, कई लोग 10 साल बाद तैयारी कर रहे होंगे, तो बेटे आपको जो भी डाउट है बेहिचक अपने कमेंट बॉक्स में डालें, लोग क्या सोचेंगे छोड़ दो, आप डाउट पूछे और डाउट का इंस्टेंट आपको रिप्लाई भी मिलेगा आपके कमेंट बॉक्स में, राइट। नाउ वी हैव थर्ड मेथड, बेटे थर्ड मेथड अब डिस्कस करेंगे हम, फर्स्ट मेथड अभी हमने डिस्कस किया, नाउ विल डिस्कस आर सेकंड मेथड। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे। अब बेटे सेकंड मेथड के अंदर हमें हिंट क्या मिलने वाला है, फ्रॉम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, से, मैथ्स में क्या बोलते हैं इसको, माइनस। थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है हमें कि सेकंड मेथड में हमें सिंपली क्या करना है जी, माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। अब सेकंड मेथड होगा कैसे, देखो ए एंड बी, सी ए एंड बी आर पार्टनर, ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, राइट। नाउ व्हाट हैपेन, सी टेक्स 1/8 फ्रॉम ए, राइट, एंड सी टेक्स 1/8 फ्रॉम बी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सी एडमिट कितने शेयर के लिए होता है, 1/4 के लिए, 1/8 तो इसने ए से लिया और 1/8 किससे लिया, बी से लिया। अगर मैं इसको ऐड करूँ 1/8 + 1/8, 2/8, 1/4 हो गया ना इसका टोटल शेयर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बेटे सिंपल है, मैंने बोला अगर फ्रॉम है तो सिंपली माइनस कर दीजिए, यानी आप देखो सी टेक्स 1/8 फ्रॉम ए, 1/8 फ्रॉम बी, यानी ए ने सेक्रीफाइस किया 1/8 और बी ने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/8 किया है। तो ये इनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो है। एक और मौका मिला आपको कैलकुलेशन ना करने का, इनके अगर सेक्रीफाइजिंग रेशियो की बात करेंगे तो 1/8 ए ने और 1/8 बी ने, मींस सेक्रीफाइजिंग रेशियो हेयर इज इक्वल, दैट इज 1:1। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज इक्वल्स टू व्हाट बेटे, ओल्ड माइनस न्यू। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि न्यू क्या होगा, तो बेटे न्यू इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइजिंग रेशियो, लिख सकते हो क्या हम, एग्जैक्टली लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो बेटे, तो ए का पहले से शेयर क्या है जी, ए का पहले से शेयर है 3/5,
माइनस ए ने सेक्रीफाइस कितना किया जी, 1/8। बी का पहले से क्या शेयर है बेटे, 2/5, इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/8। और सी का तो डिफाइन है बेटे 1/4, 1/8 इसे ए से मिला, 1/8 बी से मिला, दोनों को सम कर लेंगे तो 1/4। तो बेटे 3/5 में से 1/8 लेस कर दे, 2/5 में से 1/8 लेस कर दे, एलसीएम कर ले, 40 24 माइनस 5 दैट इज 19/40, गेट इट ना। फिर 40 एलसीएम कर लो, 16 माइनस 5 दैट इज 11/40। फिर इसको 40 बनाना तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 10/40, रेशियो क्या बन गया जी, 19:11:10। ये क्या बन गया बेटे, ये बन गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सेकंड केस था आपका, कितना इजी है। दूसरा केस सिंपली बेटे, यहाँ पर ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा होगा, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा होगा, गिवन होगा ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग घटा दो तो आपका न्यू रेशियो बन गया, और सेक्रीफाइसिंग आपको कैलकुलेट नहीं करना, गिवन है। तो देखो पहले केस में सेक्रीफाइसिंग ओल्ड होता है, दूसरे केस में सेक्रीफाइसिंग गिवन होता है। बेटे जब हम थर्ड केस में होंगे तो थर्ड केस में सेक्रीफाइसिंग हमें निकालना पड़ेगा। आइए थर्ड केस में भी लाता हूँ आपको। तो नाउ वी हैव थर्ड केस, और थर्ड में हिंट क्या मिलने वाले हैं, थर्ड के अंदर आपको हिंट मिलने वाला है ऑफ हिज शेयर, ये चीजें हिंट में होने वाला है यहां पे थर्ड के अंदर। तो आओ नाउ वी हैव थर्ड केस, और थर्ड में हिंट क्या आने वाला है, ऑफ हिज शेयर, ये हिंट आने वाला है। कहीं क्वेश्चन में लिखा हो ऑफ इज शेयर तो आप समझ जाना कि ये मेथड कौन सा है, ये तीसरा मेथड है। क्या लिखा, ऑफ हेज शेयर, ये थर्ड केस आपका। देखो आओ एग्जांपल में आओ, ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, और आगे लिखा होगा ए सेक्रीफाइज 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, ऑल्सो बेटे बी सेक्रीफाइज 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ वॉट, सी। देखो बेटे आप इस क्वेश्चन को देखो और समझ जाओ कि ये मेथड कौन सा है, ये केस कौन सा है। सर तीसरा केस है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ऑफ हिज शेयर, करेक्ट। आइए कैलकुलेशन क्या करेंगे, तो देखो बेटे पहले केस में मैंने बताया आपको कि जो ओल्ड है सेक्रीफाइसिंग है, दूसरे केस में सेक्रीफाइसिंग गिवन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना होगा। देखो कैसे, ए का अपना शेयर देखो कितना है, सर 3/5 है, ये गिवन है बेटे 3/5। ए ने अपने हिस्से का कितना सेक्रीफाइस किया, 1/2। ऑफ मीन्स व्हाट बेटे, ऑफ मीन्स मैथ्स के अंदर मल्टीप्लाई करना, वही कर रहा हूं मैं मल्टीप्लाई, है ना। तो ये आ गया आपका 3/10। बी ने अपने हिस्से का यानी 2/5 का 1/2 सेक्रीफाइस किया यानी 2/10। ए अपने हिस्से का 1/2, बी अपने हिस्से का 1/2, ए ने ये सेक्रीफाइस किया, बी ने ये सेक्रीफाइस किया। तो मैं आपसे पूछूंगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, तो बेटे सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:2। आ जाओ अब हम न्यू रेशियो पे बात कर लेते हैं। ठीक है सर, क्या फॉर्मूला है न्यू का, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ए का पहले से क्या शेयर है जी, 3/5, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे 3/5। ए ने कितना दे दिया सी को, सर 3/10 दे दिया, अपने हिस्से का 1/2 कितना होता है, 3/10। बी का अपना शेयर कितना था जी, 2/5, डन। इसने कितना दे दिया, इसने बेटे 2/10 दे दिया, अपने शेयर का 1/2 दे दिया, दैट इज 2/10 दे दिया, गेट इट ना। सी को कहां कहां से मिला, ए से मिला 3/10, बी से मिला 2/10। अब एलसीएम कर लो आप, 10 6 माइनस 3
3/10, 10, 4-2 2/10, और बेटे ये 5/10। तो योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज व्हाट, 3:2:5। हम अपने अगले वीडियो में, लास्ट वीडियो हमने जो किया था, आपको ये बताया था कि इम्पॉर्टेंट क्या है, किस किस सेक्शन को इम्पॉर्टेंट को आप टच करने वाले हो। अब हमने अपना यूनिट शुरू किया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, पार्टनरशिप से। बेटे इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस टू थिंग्स, वन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अनदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दोनों अलग अलग बातें हैं, हम वैल्यूएशन भी सीखेंगे गुडविल का और हम ट्रीटमेंट भी सीखेंगे। बाकी अगर आपके कुछ डाउट्स हो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।